हे राजन, जितना भी ब्रह्मांड दृष्टिगोचर हो रहा है सब भगवान। सात लोक नीचे हैं, जो सबसे नीचे का लोक है पाताल, वो भगवान के बहुत सुंदर विराट रूप का दर्शन है। सुनो, आदि पुरुष परमात्मा जिनका विराट स्वरूप है, पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियां और पंजे रसातल हैं, दोनों गुल्फ एड़ी की ऊपर की गांठ है, महातल है, उनके पैर के पिंडे तलातल है, विश्वमूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल और जांघे वितल है, वितर और अतल है, पेड़ू भूतल है, और परीक्षित उनके नाभि, ये जो भूतल है मीन्स जो पृथ्वी है, ये क्या है? बोले ये जो पेड़ू है ये भगवान का, ये पृथ्वी भूतल है, और भगवान की जो नाभि सरोवर है, नाभि ये पूरा आकाश है। आपकी बॉडी में नाभि का कितना स्पेस है बताऊं? शरीर के हाथ का होता है सर, 3.5-4 हाथ का होता है, कितने का होता है? अब हमें तो पता नहीं, सुना ये 3.5-4 हाथ का हाथ हो शरीर होता है, नाभि एक उंगली भर की भी नहीं होती। आप सोचो हमारे शरीर में नाभि की इतनी सी जगह है, परमात्मा की नाभि सरोवर क्या है? बोलिए आकाश, अनंत आकाश, जिसकी कोई सीमा नहीं। अमेरिका में चले जाओ, यहां रात दिन का अंतर है, हम जाते रहते हैं, थोड़ा बताना पड़ रहा है भाव खाने के लिए, हम जाते रहते हैं अमेरिका। हाँ, ऐसे नहीं, टिकट है हम पे, एयरपोर्ट पे जाके नहीं लेते हैं, पहले ही ले लेते हैं हम टिकट। तो वहां इस समय भोर हो रही होगी, क्या बज रहा है यहाँ? 6 बज के, वहां लगभग यही समय हो रहा होगा मॉर्निंग का, कैलिफोर्निया साइड में, और शिकागो में थोड़ा, ये न्यूयॉर्क में थोड़ा और 2-2.5 घंटे आगे होंगे। तो यहाँ शाम हो रही है, वहां सुबह हो रहा है, इतना 12-13 घंटे का अंतर है। बावजूद इसके जब आकाश को देखेंगे तो वहां भी अनंत है, और कितना भी आगे चले जाओ आकाश की कोई सीमा नहीं, उसका नाम ही अनंत। और ये अनंत आकाश क्या है? ये भगवान की नाभि है। अब सोचो भगवान कितना विराट होंगे। सुनो, अभी नाभि रूप सरोवर की तरह आकाश है, आदि पुरुष परमात्मा की छाती स्वर्गलोक, गले को महीलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपलोक कहते हैं। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह सत्यलोक है, इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं काम और शब्द श्रवणेन्द्रियां हैं, दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका हैं, नासिका के छिद्र हैं, गंध और ग्राणेन्द्रिय धधकती हुई आग उनका मुख है। लोग मानते नहीं है कि अग्नि में डालो तो भगवान को मिल जाता है, सुन लो, धधकती हुई आग भगवान का मुख है। भगवान के मुख दो हैं, ब्राह्मण और अग्नि, ये भगवान का मुख है। ब्राह्मण खा के आहा कर दे और अग्नि में आहुति देते समय यजमान स्वाहा कर दे, दोनों ही स्थिति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब कई बार प्रॉब्लम हो जाती है किसी के यहाँ, जिजमान के यहाँ जाओ खाने के लिए, बोले आहा करो, जब से बोले तब से आहा पे, कई बार तो गन सी लेके बोले खा के आहा करो महाराज तब आनंद आएगा। अरे ये तो अपने आप निकलेगी आहा, जब आहा निकलेगी तो पहुंच जाएगी ठाकुर जी पे, चाहे कुछ भी बना दो बुरा बाबरा, फिर भी कहो बोले खा के आहा करो, कैसे कर दे आहा? बुरा बाबरा खा के कोई आहा होता है? फिर तो अरी मैया का खा लो, ये होता है। पर फिर भी कई बार ब्राह्मणों की भी जिंदगी बड़ी अजीब है, हम जैसों की, जजमान की खुशी के लिए करना पड़ता आहा। अच्छा, उस आहा में दर्द भी होता है पर जजमान समझता नहीं, और उसमें मिर्च झोंक दी और कहो आहा करो तो फिर तो झोंक आहा यही निकलेगा। खैर, ब्राह्मण का आहा और अग्नि का स्वाहा, दोनों से भगवान तृप्त होते हैं, देवता तृप्त होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। एक उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो,
अधिक मास में किसी भी दिन, मोस्टली सोमवार के दिन हो तो बहुत अच्छा, अगर किसी शिव भक्त को बैठाल कर कहां बेल के वृक्ष के नीचे अगर आप किसी को भोजन करा दें, एक शिव भक्त को भी भोजन करा दें, तो करोड़ों शिव भक्तों को भोजन कराने के बराबर है, करोड़ों। लेकिन भोजन वही बनाना जो शिव जी को पसंद हो। शिव भक्त धतूरो मत दे दियो, बोले आप ही ने तो कहा था शिव जी को पसंद हो, बोले भांग पिला दो ऊपर से धतूरा खिला दो, ऐसे नहीं। जो बाबा को भोग लगा सको, शुद्ध सात्विक पवित्र वो भोग लगाओ, और एक कोई शिव भक्त को भोजन करा दो। आमले का वृक्ष होता है ना, उसके नीचे बैठाल कर इन्हीं दिनों में किसी वैष्णव को भोजन करा दो, अनंत गुना फल है, करोड़ों गुना फल है, बहुत लाभदायक फल है, पक्की बात है, इसमें कोई संशय नहीं। राधे राधे बोलना पड़े।